नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड से एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है और ये खबर है कपूर खानदान से जुड़ी हुई। दरअसल राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के सबसे छोटे भाई जिनका नाम राजीव कपूर है, उनके निधन की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको 9 फरवरी यानी कि आज ही के दिन ये दुखद खबर सामने आई है। सुबह बताया जा रहा है वो वक्त जिस वक्त उनका निधन हुआ, उनके निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इससे पहले 2 माइनर अटैक उनको पहले भी पड़ चुके थे, लेकिन ये मेजर अटैक था जिसको वो संभाल नहीं पाए। आनन फानन में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स ने अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया। इस बात की जानकारी और इस खबर को कंफर्म खुद रणधीर कपूर ने किया है और साथ ही साथ नीतू कपूर ने भी किया है। रणधीर कपूर ने इस खबर को कंफर्म करते हुए कहा कि मैंने अपना सबसे छोटा भाई राजीव खो दिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन बचा नहीं सके। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूं और उनकी डेड बॉडी मिलने का इंतजार कर रहा हूं। बता दें आपको नीतू कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर राजीव कपूर की फोटो को साझा किया और उनके निधन की खबर को कंफर्म किया है। बता दें राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में साल 1985 में वो नजर आए थे। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। बहुत कम फिल्मों में उनको देखा गया लेकिन उनको जाना इसीलिए जाता था क्योंकि वो कपूर खानदान के चिराग थे, एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड से आते थे। और सबसे बड़ी बात, पूरा जो कपूर खानदान है वो फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है, लेकिन बावजूद उसके राजीव कपूर का जो करियर था फिल्मी लिहाज से अगर देखा जाए वो ज्यादा नहीं चला, लेकिन फिर भी वो चर्चाओं में रहते थे। राजीव कपूर के निधन की खबर को कपूर खानदान ने कन्फर्म कर दिया है और पूरा परिवार सदमे में है। आपको बता दें पिछले साल अप्रैल के महीने में ऋषि कपूर का निधन हुआ था, उस वक्त नीतू कपूर और पूरा परिवार पूरी तरीके से टूट गया था। उस सदमे से अभी कपूर खानदान उबर भी नहीं पाया था कि एक और सदमा कपूर परिवार को लग गया है। बहरहाल न सिर्फ पूरे बॉलीवुड से बल्कि देश भर में शोक व्यक्त किया जा रहा है और राजीव कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।